गल जो सारे मुल्क नूं सख्तां तों सख्तां लफ्ज़ां दे विच इहनूं कंडेम करना चाहिंदा है। दिस इज़ गैटिंग बियॉन्ड कंट्रोल नाउ। ये जिहड़ी पाकिस्तान की पॉलिसी है ऑफ स्टार्टिंग कश्मीर, फिर साढ़े नाल लियाना चाहुंदे ने इत्थे और कश्मीरियां नूं साढ़े नाल जोड़ना चाहुंदे ने कश्मीरी एक्सट्रीमिज़म नूं, पंजाबी एक्सट्रीमिज़म जिहड़ी है थोड़ी बहुती उहदे नाल जोड़ना चाहुंदे ने। आई कैन वॉर्न जनरल बाजवा एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड चमचे जिहड़े उन्होंने ISI वाले तो क्या इतने बढ़ के देखो, असीं इन्होंने मूंह मार के नहीं छड़ांगे। उन्हें अनफ इज अनफ। 41 यंग लाइव्स ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन दिस वन अटैक। फॉर वॉट? टू प्लीज समबडी, टू प्लीज द बॉसेज इन पाकिस्तान? माहौल बना रखी है इतने कोई कि हिंदुस्तानी फौज जदों जी करे तुसीं आके उत्थे गोली मार दो? 41 साढ़े जवान मारते, किस वास्ते मारते? टू प्लीज द बॉसेस? शर्म नहीं? आ मैं पढ़ के सुनावा थोनों। असाम तो एक जवान, बिहार तो दो, हिमाचल प्रदेश तो एक, जम्मू कश्मीर तो एक, झारखंड तो एक, कर्नाटक तो एक, केरला तो एक, मध्य प्रदेश तो एक, महाराष्ट्र तो दो, उड़ीसा तो दो, पंजाब तो चार, राजस्थान तो पंच, तमिलनाडु तो दो, उत्तर प्रदेश तो 12, उत्तराखंड तो 3 और वेस्ट बंगाल तो 2, 41 इन ऑल। 4 इन्हां विचों साढ़े पंजाब के मुंडे ने। की लाभ होया उन्होंने? वॉट प्लेजर डज इट गिव द मैन? तो यही नहीं समझ आती इस। और मैं देश सुनना, प्राइम मिनिस्टर कहना है मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी शुरू करनी है, बाजवा दी आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर बनवाया और बाजवा दे अंडर ISI है उन्हां दी। वट इज़ दिस डबल गेम बीइंग प्लेड एट पाकिस्तानी लेवल एट नैशनल लेवल? सिखां दी सिंपति खिचो बाई सेइंग दीज थिंग्स एंड दूजे पासे बंदियां नूं मारी। चलो चार इत्थे जिहड़ी तू गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी बनाउणा चाहुंदा, चार गुरु नानक देव जी दे सेवक ने जो इस विच आए हुए ने। उन्हां दे सुनना चाहुंदे हो किहड़े पिंडां चो? कुलविंदर सिंह आनंदपुर साहब तो, जयमल सिंह धर्मकोट तो, सुखजिंदर सिंह गंडीविंड तो, एंड मनिंदर सिंह दीनानगर तो। वॉट फॉर? हूँ दीनानगर ने कुछ इन्हों का बिगाड़िया? वाई आर यू डूइंग दिस? मैं कई बार क्या है कि अगर तुम हिंदुस्तान के नाल हथ मिलाना चाहते हो, जो इन्हों का प्रधानमंत्री रोज़ बोली जाता है, तो किस वास्ते पहला तुम आ काम नहीं बंद करते? कोई नहीं, मैन टू मैन पाकिस्तान और पंजाब और इंडिया आपस रलना चाहते हैं, पर यह जो सियासतदान ने उत्थे बैठे, जो जनरल्स बैठे ने उत्थे, ये ने ये गल करने वाले सियासतदान की करन? वो तो बनाए गए ने जनरलों तो। एंड लैट दिस बाजवा नो, आई वॉन्ट टू से इट ओपनली एंड आई होप दिस प्रेस इज नोटिंग डाउन वट आई एम सेइंग। लैट दिस बाजवा नो, तू पंजाबी असी पंजाबी इतने बढ़ के देख, तू असी तेन सीधा करा। दिस इज नॉट दैट पुलिस फोर्स दैट इज दैट वॉज देयर इन 1970 वेन एवर इट वॉज 13,000 की फोर्स होंगी, सो 81,000 की फोर्स है, लेकिन 81,000 आ हाईली मोटिवेटेड फाइन पुलिस फोर्स। नो इशू इज लेफ्ट विच इज नॉट रिजॉल्व विद इन अ फ्यू डेज। लुक एट दिस लुधियाना इंसिडेंट, इन 2 days वी हैव रैप्ड इट ऑल अप। आई हैव डन इट, द पुलिस फोर्स हैज डन इट। आई हैव वॉर्न्ड द कंट्री, आई हैव वॉर्न्ड माई स्टेट दैट बी केयरफुल, वी हैव टू बी ऑन आवर टोज, वी हैव टू वॉच आउट, दैट नेफरियस एक्टिविटी इज सच। एंड इट्स अ स्ट्रेंज थिंग द वे दिस पाकिस्तान गवर्नमेंट इज वर्किंग, द प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग पीस and the general talking war. This is a sad day that we have gone to go through. The house wants a resolution in which adjournment honi jaye. Main samajhda ki bahut eh pure sade hindustan de bacche ne, they are not all from Punjab. Agar aap di izazat ho speaker sahab, main resolution move karna chahunda. The house strongly condemns the barbaric attack by Jaish terrorists on the convoy of the CRP in Pulwama that left 41 brave personnel dead and many others injured. That is another thing, Mr. Speaker. Today we have counted the bodies. What about those in the hospital who will die?
We don't know how many those are. Most of the personnel were on their way back to join their duties to defend the borders of India after their holidays. तो इस समय आ गया कि सेंटर की सरकार उन समझे कि की इन्हां दे डिजाइनस ने और अप्रोप्रिएटली एदी बिफिटिंग रिस्पॉन्स देवे. द सैक्रीफाइस ऑफ दीज मार्टर्स शुड नॉट गो वेस्ट एंड आई अर्ज द सेंटर टू इंश्योर अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू दिस अटैक ऑन आवर कंट्री. द अटैक एक्सपोजेस द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट हु ऑन द वन हैंड इज टॉकिंग ऑफ पीस एंड ऑन द अदर हैंड एक्टिवली सपोर्टिंग टेरर आउटफिट्स इन जम्मू कश्मीर एंड आई विल एड इन पंजाब. We are all with the families of these martyred soldiers in their hour of grief and extend our heartfelt condolences to their families. Our hearts, of course, go out to the families. Wherever they may be, they are poor people. God alone knows which villages they come from in Odisha or Bihar or Uttarakhand or wherever. But we are there for them. We are Punjab, we are far away. But our sympathies and our heartfelt condolences to that family. एंड उन्होंने असी अपने वालों इन्नी अरदास कर सकते हैं अकाल पुरख के चरणों च कि उन्होंने पवित्र आत्मावान अपने चरणों च नवाजन और असी सारे परिवारों के जो भी असी कर सकते हैं चाहे साढ़े सूबे के ने हो या ना सूबे के होन असी हर वेले पंजाब उन्होंने वास्ते तैयार है. अज सर्वसम्मति नाल साड़े हाउस ने यह रेजोल्यूशन अडोप्ट किया कि अजर्नमेंट होवे और यह होया इस कारण कि कल पुलवामा दे विच कश्मीर वैली दे विच और जिहड़े साडे सीआरपी दे जवानां दे उपर हमला होया 41 जवान शहीद हो गए ने. किन्ने जख्मी ने वो खबरां नहीं आईयां हाले लेकिन इस किस्म दी हालात ने कि कुछ कह नहीं सकदे असीं. ते अज यूनैनिमसली हाउस ने इस अप्रूव कीती है. आई हैव हाउस ते तुसीं मेरा बयान सुन लिया होणा. I squarely blame the Pakistan government on this issue and I want to say ke ek passe the prime minister says something and his army chief is doing something else through his ISI. This is unacceptable. Government of India must give a befitting response to this and as far as Punjab is concerned this influence which this ISI is trying to do here on the saying of the army chief Bajwa, we will deal with them here good and proper if they ever attempt it again. This is not the Punjab of the 70s or 80s. We have a highly committed police force, a highly trained police force which has been through the baptism of fire. And we will deal with them when the time comes. 1800 police personnel, officers and men died during that period. Total Punjab de vich 35,000 bandiyan da khoon dulya hai. And eh assi Punjab de vich eh hon nahi dena aur eh Pakistani meharbani hai. Bajwa samajh le is gal nu. General Bajwa, Pakistani chief, he should understand that this is not him. He may be a Punjabi, we are Punjabis too, and we know how to deal with this business. Iska koi permanent solution international community ko saath leke zarur hona chahiye aur saza yafta bhi zarur karna chahiye, lekin 7x7 iska mujhe jo lagta hai ki dialogue se international community ka pressure puri tarah se karke kisi ko galiyan nikalne se ye nahi theek hoga. इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए. कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? पर सर, दो देशों के रिश्ते में खटास फैलने की पहले देखिए एक बात आप समझ लीजिए. मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली. ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो. समझे? नहीं, मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए. प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा. किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, जहां जहां आप वियतनाम देख लो, आप और हजार जगह देख लो जहां जहां जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है ताकि कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकले.